है पिछले दो दिन में क्या हुआ है विश्रामगंज एरिया में, जहाँ पे कुछ दिनों पहले आशीष जी पे और मुझ पे जहाँ पे आक्रमण किया गया, उसी सेम जगह पे हमारे आईवाईसी के यंग इंडिया के बोर्ड के जो प्रभारी है मोमिता काली जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राखू दास जी और बहुत सारे हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे आक्रमण किया गया। उसके बाद में आप देख सकते हो किस तरीके से न्याय व्यवस्था ठप पड़ चुकी है और इस प्रदेश में पुलिस को किस तरीके से कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं शायद उंगलियों पे गिन भी ना पाओ इतने सारे सेक्शंस उन्होंने उनपे लगाया, जिसके तहत उनको 6 दिन तक अभी विश्रामगढ़ जेल में बुक कर दिया गया। आप लोगों ने खुद देखा है, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आपके आंखों ने खुद देखा होगा सबूत की तरह से किस तरीके से पुलिस ने राखू दास को कीचड़ के अंदर से खींच के घसीटते हुए कुत्ते की तरह गाड़ी में डाला। इस तरीके का व्यवहार हम पुलिस प्रशासन से एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है या हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कब तक